हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल माय हैंड फूड पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन के अवसर पर घीवर की रेसिपी। तो जिसको बनाना बहुत ही आसान है, तो घर के सामानों से ही हम इसको तैयार करेंगे। तो बिल्कुल बाजार जैसे हम बनाएंगे घीवर। तो देखिए, देखने में भी सुंदर है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है एक कप मैदा 250 ग्राम के करीब है, और 4 चम्मच के करीब ले लिया है देसी घी। अब हम इसको एक बर्तन के अंदर डाल लेंगे घी को, और इसके अंदर 7 से 8 आइस क्यूब्स डाल लेंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। इसको 5 से 10 मिनट तक हम इस तरह से मिलाते रहेंगे जिससे ये मक्खन बन जाए। इसको बिल्कुल ही हमें सॉफ्ट बनाना है, तो इसी तरह से हाथों से मलेंगे, तो हाथों की गर्मी से ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप इसको 5 से 10 मिनट इस तरह से बिल्कुल हल्का कर लेंगे, तो देखिए इसका कलर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो देखिए, बन गया हमारा मक्खन। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। अब मैदा डालकर हम इसके अंदर पानी डालेंगे, तो अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिल्ड पानी डालेंगे हम इसके अंदर, तो हम धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। अब हमें धीरे धीरे पानी डाला ये तो इसके अंदर लम्स पड़ जाएंगे, तो हम इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली रखनी है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी ये गाढ़ा है, इसमें हमें और पतला करना है। तो हम इसमें कर लेंगे ऐड 1/2 कप के करीब दूध। दूध डालने से बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं घीवर, तो हमने 1/2 कप दूध इसमें ऐड कर लेंगे। धीरे धीरे के सारा दूध मिला लिया है और बिल्कुल हमें पतला कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब बेसन। बेसन डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो हमने इसको बेसन को इसमें मिक्स कर लिया है अच्छे से। हमें बिल्कुल ही इसको पतला बनाना है, इसमें हम और भी पानी मिलाएंगे। तो अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो हम चम्मच से देख लेते हैं कि कितना ये सही है। तो इस तरह से निशान बन रहा है, तो अभी हमारा सही बना है गोल। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोतल के अंदर। तो ये हमने बोतल में डाल लिया सारा, और इसके ढक्कन में हम एक छेद कर लेंगे और इसको इस पर लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी बोतल तैयार हो गई है। तो हमने घी रख दिया है गरम करने के लिए, तो हमें घी 1/2 ही भगोनी रखना है, पूरा भर के हमें नहीं रखना है, और बिल्कुल हाई फ्लेम कर लेनी है। तेज हमारा घी होना चाहिए, तो हम इसमें बीच में सेंटर में डालते जाएंगे धीरे धीरे, और चाकू की सहायता से बीच में एक होल बना लेंगे। तो हमें इसी तरह से 15 से 20 बार डालना है, तभी हमारा घीवर अच्छा बनेगा। तो जब हमारी बबल्स कम हो जाते हैं तभी हमें दूसरी बार डालना है, नहीं तो वो कच्चा रह जाएगा ऊपर से। तो हम इस तरह से धीरे धीरे डालते जाएंगे। देखिए, ये बबल्स कम हो जाएंगे, फिर हम ऊपर डालेंगे इसमें। तो ये हमारा घीवर तैयार हो गया है। अब हम इसको चाकू की सहायता से छुड़ा लेंगे और निकी से सेक लेंगे। तो ये लीजिए, रेडी हो गया हमारा घीवर, बिल्कुल बाजार स्टाइल बना है, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और बनाना भी बहुत आसान है। तो हमने 1/2 बोतल तलक हमने यूज़ किया था इसमें। अब हम इसको इसी तरह से और भी घीवर हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे घीवर मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं, तो सारे घीवर हमारे बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। तो हमने इसी तरह से सारे तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए, ये हमारे सारे घेवर रेडी हो गए हैं।
तो कम से कम 8 से 10 घेवर हमारे इतनी मैदा में बन चुके हैं। तो अब हम तैयार कर लेते हैं इसकी रबड़ी। तो रबड़ी तैयार करने के लिए हमने एक कढ़ाई में लिया है 1 लीटर दूध फुल क्रीम, और इसको हम तेज आंच पे पका लेंगे और इसकी एक रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो उसे पकाते रहेंगे चला चला के, नहीं तो दूध नीचे लग जाएगा। अब ये पक्की हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब चीनी और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये रेडी हो गई हमारी रबड़ी घर की तैयार। चीनी, अब इसकी बनाएंगे चाशनी। तो हमने कढ़ाई में डाल दी 1 कप चीनी और 1 कप ही इसमें डाल देंगे पानी। अब इसके अंदर डालेंगे 2 इलायची और चलाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं तैयार करनी है, इसकी बिल्कुल ही चिपचिपी सी हमें चाशनी बनानी है। हमें एक तार की चाशनी भी नहीं बनानी है इसकी, हमें बस एक चिपचिपी ही बनानी है इसकी चाशनी। तो ये देखिए तैयार हो गई हमारी चाशनी। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बूंद केवड़े के, इससे अच्छा है फ्लेवर आता है। तो हमने 2 बूंद केवड़े के डाल दिए हैं। अब हम इस चाशनी को घेवर पर चढ़ाएंगे। तो हम इस चाशनी को गरम गरम ही घेवर पर चढ़ा देंगे, नहीं तो ये ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी। तो हमने एक के ऊपर एक घेवर रख लिए हैं, जितने भी आपको तैयार करने हैं आप अपने घेवर रख सकते हैं स्टैंड पे। और इस तरह से चाशनी चला लेंगे हम। तो इस तरह से सारे घेवरों में चाशनी नीचे तलक चली जाएगी। तो ये हमने सब में चढ़ा लिया। तो अब हम इसमें लगा लेंगे मलाई। तो अच्छे से मलाई को इसके ऊपर लगा लेंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो हमने देखो कितने आसान तरीके से बनाया है इसको। तो हमने चारों तरफ इस पर अच्छे से मलाई लगा ली है। तो दोनों घेवर को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जब भी आपको तैयार करना हो तब इसको इस पर मलाई लगा के तैयार करें, और आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, और जब खाने का मन हो तो आप इसको तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से इस पर हमने ड्राई फ्रूट लगा लिए, काजू बादाम पिस्ता किशमिश से हमने इसको डेकोरेट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा तैयार हो गया है रक्षाबंधन के लिए स्पेशल घेवर, जो कि देखने में और खाने में दोनों में ही बहुत अच्छा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रक्षाबंधन पे। और फ्रेंड्स कमेंट में बताएं कि आपको मेरी घेवर की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। राधे कृष्णा।